तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और स्पेशल वीडियो जिसका नाम है जादुई बॉटल। बॉटल तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगी, पर लाइक का बटन आपके आंखों के सामने है तो जल्दी ठोको। तो चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। तो ये कहानी है टॉय स्टार नगरी में रहने वाली रीता और सीता नाम की दो बहनों की। सीता अभी तक सो रही है, चल उसको उठा देती हूँ। सीता उठो। दीदी सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। अरे स्कूल जाना है ना, स्कूल ही जाना क्या? दीदी बहुत नींद आ रही है, सोने दो। उठो चलो। दीदी मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सब मेरा वहाँ पे मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। हंसते हैं? हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। पर दीदी अब जब मैं स्कूल जाऊंगी मेरे पर हंसेंगे तो नहीं ना? मैंने अभी क्या बताया? चलो दीदी ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो ना, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना दिया है, रोटी और प्याज। और फिर सीता तैयार होकर स्कूल चली जाती है। बताओ ना, मैं कनाडा में पैदा हुई थी इसलिए मेरे बाल पिंक हैं। नमस्ते अनाया, नमस्ते बोलो। अरे गरीब आ गई, गरीब गरीब। अरे जरा अपना बैग तो दिखा। किताबें देख रहे इसकी? किताबें दिखाना? किताबें नहीं लेके किससे? वो ना स्कूल का टॉयलेट साफ करेगी। यही स्कूल में करेगी सफाई है ना? हाँ। सारे बच्चे सीता की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो बच्चों अपनी नोटबुक निकालो। बेटा तुम्हारे नोटबुक कहाँ है? मैम मेरे पास कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं? गरीब गरीब गरीब। अनाया एक काम करो, उसे एक पेज दे दो। मैम मैं नहीं देती गरीब लोगों को पेज। अनाया। हाँ ठीक है ले। वेरी गुड, कल से अपनी कॉपी लेके आइयो। चलो बच्चों लिखो ए फॉर एप्पल। सीता तुम क्या लिख रही? मैम मेरे पास पेन नहीं है। गरीब करने क्या आई है यहाँ पे? अनाया पेन दे दो। ये ले मेरा 2 साल पुराना पेन, चलता है थोड़ा। ए फॉर एप्पल। सीता स्कूल से घर जा रही होती है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। पानी पिला दो कोई। क्या हुआ बाबा? बेटा बहुत प्यास लग रही, पानी पिला दोगे? हाँ पानी है मेरे पास। धन्यवाद बेटा तुम्हारा। अरे बेटा सुनो। हाँ बाबा। बेटा ये लो। बाबा ये क्या है? बेटा तुमने मुझे पानी पिलाया ना, इसलिए आप रख लो। नहीं बाबा मैं नहीं ले सकती। अरे बेटा ये रख लो, आपके काम आएगी, ये लो। और फिर सीता वो जादुई बॉटल लेकर घर चली जाती है। अरे सीता आ गई। हाँ मैं आ गई। क्या हुआ? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पास एक किताब तक नहीं है और सब मेरे पर हंस रहे हैं। आ जाएगी तुम्हारे पास से किताब। कहाँ से आएगी? हवा से, पानी से? कहाँ से आएगी किताब? चलो मेरे पास 10 रुपए बचे हैं, मैं तुम्हारे लिए किताब ले आऊंगी। नहीं आप जाओ यहाँ से, आप कुछ नहीं लाओगी। सुनो तो। अब जाओ ना। तो
स्कूल गई नहीं है, पता है नहीं कि स्कूल में किताबों की भी जरूरत पड़ती है। लिखूंगी किसमें मैं? काश मेरे पास एक किताब होती। तभी उसके पास किताब आ जाती है। ये किताब, ये कहाँ से आई? कहीं ये बॉटल जादुई तो नहीं है? जादुई बॉटल? काश मेरे पास एक सुंदर सा बैग होता। न्यू बैग? सीता ऐसे ही और जादू करती है और ढेर सारा सामान उसके सामने आ जाता है। काश मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स होता। पेंसिल बॉक्स? नहीं, किताब, नया बैग। मेरे पास कितना सुंदर सुंदर सामान है, ये कमाल जादुई बॉटल का है। अरे क्या हुआ सीता, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, नया बैग, नई किताब, नया ज्योमेट्री बॉक्स। अरे सीता, इतना सारा सामान कहाँ से आया? यार मैं तो फंस गई, अगर इसे बता दिया ना। और फिर क्या था, सीता ने अपनी बड़ी बहन से झूठ बोला। अरे दीदी, वो ना टीचर आई थी, उन्होंने दिया था। टीचर आई थी तो फिर वो मुझसे मिलके क्यों नहीं गई? अरे दीदी, वो ना और घर में जाना था, जा यहाँ से। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? झूठ, और मैं जाओ। लालच में आके सीता अपनी बहन से झूठ बोलती है। फिर अगले दिन, अरे यार ये गरीब नहीं आया, किसका मजाक उड़ा है, बोर हो रहे। अरे गरीब आ गई, गरीब 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 गरीब। क्या बोल रहे हो? गरीब। गरीब हूँ मैं, अपना बैग दिखाऊं तुम्हें? हाँ दिखाना अपनी पन्नी। इतना सुंदर बैग। गरीब बोल रहे थे मुझे? हाँ तो तुम तो कॉपी रखने लगाई होगी, क्योंकि तुम्हें तो अपने दिमाग की खिचड़ी बनानी है ना, खिचड़ी। तुमको अपना पेंसिल बॉक्स दिखाऊं? हाँ दिखा, पॉलिथीन में लाई होगी। गाड़ी वाला पेंसिल बॉक्स मेरे से ऐसे? तुमको अपनी डायरी दिखाऊं? अरे वो कल जो हमने टेस्ट में फेंकी थी वही होगी। तुम हमारी दोस्त बनोगे? जादुई बॉटल से सीता अपने लिए बहुत सारा सामान मंगवाती है और फिर वो सारा सामान लेकर घर चली जाती है। इतनी सारी पेंसिल्स, इतना सुंदर सुंदर सामान। हाँ इतना सुंदर सुंदर सामान, ये कहाँ से टपक पड़ी, ये कहाँ से मिला? ये तो बड़ा सवाल जवाब कर रही है, मैं भी तो झूठ बोलती हूँ। अरे वो मैम ने दिया था। लेकिन कल ही तो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बैग, बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, किताब दी थी। वो दूसरी मैम ने दिया था। दूसरी मैम? लेकिन स्कूल में थोड़ी ना इतना सारा सामान लेके जाते हैं। कभी तुम स्कूल गई हो? नहीं कभी गई हो, पता है ना स्कूल में क्या क्या मिलता है? नहीं गई हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें डलवाया है। हाँ मुझे आपने स्कूल भेजा है ना, ठीक है मैं अपने आप पढ़ लूंगी, अब जाओ। मुझे बस ये पूछना है कि ये सामान कहाँ से आया? अरे कितनी बार बोलूँ, टीचर ने दिया है, टीचर ने दिया है, टीचर ने दिया है। तुमने चोरी तो नहीं किया ना? नहीं मैं आपको चोर लगती हूँ, ठीक है मैं आपको चोर लगती हूँ ना, ठीक है मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है ठीक है, टीचर नहीं दिया होगा, अब जाओ। और फिर क्या था, देखते ही देखते सीता की लालच बढ़ती चली गई। उसने जादुई बॉटल से अपने लिए ढेर सारा सामान मंगवाया। और फिर एक दिन, दीदी। हाँ सीता। हम क्या नया घर ले ले, ये बहुत छोटा पड़ रहा है। नहीं सीता, मैं तो इसी घर में रहूंगी। अरे दीदी अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम नया घर ले लेंगे। नहीं सीता, पैसा कभी भी जा सकता है। रहो इसी कबाड़े से घर में। ए बात सुनो सीता। बोलो। तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ज्यादा ज्ञान मत दो। सीता अपनी बहन का घर छोड़कर चली जाती है। सब हो गया, अब बस नया घर मंगवा लेती हूँ,
जादुई बॉटल, काश मेरे पास एक नया घर होता। इतना सुंदर घर, चलो अंदर चलती हूँ। वाओ, मेरा नया घर कितना सुंदर है। चलो अपने खेलने के लिए कुछ मंगवा लेती हूँ। जादुई बॉटल, काश मेरे पास खिलौने होते। वाओ, इतने सारे खिलौने, चलो खेलते हैं। जादुई बॉटल की जादू से सीता का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन, अरे बेटा बेटा सुनना जरा, बेटा मेरी बेटी ना बहुत बीमार है, उसकी कुछ मदद कर दो, पैसे मिल जाएंगे। एक सेकंड, भले मैं इनकी मदद क्यों करूं, मेरे तो फिर सब चला जाएगा। अरे अंकल, मेरे पास कोई पैसे पैसे नहीं है, सॉरी मैं मदद नहीं कर सकता। बेटा प्लीज सुनो तो सही, कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो मेरी मदद हो जाती, मेरी बेटी बच जाती। अंकल सॉरी। अरे बेटा सुनो तो सही। अंकल बोला ना नहीं। अरे बेटा, अरे बेटा, अच्छा ये लड़की जादुई बोतल का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सीता की लालच की वजह से जादुई बोतल का जादू नहीं रहा। अब सीता के पास ना तो उसका घर था, ना कपड़े, ना कोई सामान। वो भागकर अपनी बहन के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अरे सीता, यहाँ कैसे आई, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा घर था और इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे। दीदी, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी स्टेशनरी सब चला गया। क्या हुआ, कहाँ चला गया, मुझे काम करो, एक बार अच्छे से समझाओ। दीदी आपको पता है, मुझे एक दिन एक जादुई बॉटल मिली थी। जादुई बॉटल, जिसकी वजह से मैंने बस अपना ही भला किया। और जब से वो मिली थी, मैं जब से लालची हो गई थी और मैं जादुई बॉटल से सिर्फ अपने मनमर्जी का ही सामान मंगवाने लग गई। मैंने कभी जादुई बॉटल से घर मंगवाया, नए नए कपड़े मंगवाए, पैसे मंगवाया। जादुई बॉटल ने मुझे घमंडी बना दिया था, जिसके कारण मैं लोगों की रिस्पेक्ट करना ही भूल गई थी। और इसी कारण सब चला गया, मेरा घर, नई गाड़ी, पैसा, सब चला गया। मैं कहाँ रहूँगी। तुम यहाँ रहोगी। पर दीदी, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, मुझे सच में रखोगे? हाँ हाँ, तुम रह लो, पर एक बात याद रखना, दूसरा को अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे साथ और अच्छा होएगा, और हमें कभी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। दीदी मैं वादा करती हूँ, मैं मेहनत करके फर्स्ट आऊंगी। तुम चाहे लास्ट आओ चाहे तुम फर्स्ट आओ, तुम तो मेरी बहन ही रहोगी ना। दीदी मैं इस बार वादा करती हूँ, मैं पक्का फर्स्ट आऊंगी। ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे टॉयस्टार चैनल को सब्सक्राइब करें।